उतना सारा दूध था, ये पूरा भून के खोया बन चुका है और इसको गाढ़ा होना है। जब तक ये उबलता है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। लौकी उबाल दी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो रोज़ की तरह मैं हूँ अपने होटल में और आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। तो दिन भर सुबह से दुकान पर कभी कुछ काम हो गया था, तो अभी फ्री हुई हूँ। तो बच्चे जिद कर रहे थे मम्मी लौकी की मिठाई बना, लौकी का हलवा बना करके। अभी भानो और योगी भी आ गए हैं और ये अभी अपना ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग डाल रहा है। इन दोनों ने ब्लॉग बनाया है, यज्ञ और भानु ने। नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? बना रही हूँ लौकी की हलवा, लौकी की मिठाई। और अभी इसके चाचा गए हैं लौकी लेने। भानु का ब्लॉग मैं देखूंगी, है ना? सबसे पहले मैं देखूंगी तेरा ब्लॉग, ठीक हो गया? नारियो आज लौकी की मिठाई और आपके साथ भी शेयर करूंगी रेसिपी कैसे बनाते हैं और फिर जाके, ठीक है? तो ये लाए हैं लौकी और इसकी बनाती हूँ मैं मिठाई। कैसे बनाती हूँ बताती हूँ। इसको पहले कोरूंगी, कोर तब तक मैं कोरती हूँ, ठीक है? दोस्तों मैंने लौकी को कोर दिया है और इसको बारीक करके कोरा है। अब इसको मैं उबाल लूँगी भगोने में, फिर जाके बनाऊंगी इसको। दोस्तों लौकी मैंने कोर दी है बारीक करके, अब इसको उबाल लूंगी क्योंकि इसकी महक, इसकी बदबू सब चले जाएगी उबालने के बाद। और फिर जाके इसको दूध में पकाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसे इसको बनाती हूँ। ये खाली नहीं है तो हम इसमें उबाल लेंगे कुकर में, इसकी महक जितनी भी है वो सब चले जाएगी। लौकी से थोड़ा बदबू आती है ना महक। तो दोस्तों हम इसमें हल्का पानी डालेंगे और ज्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल रखा है और इसको सीटी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ऊपर से ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी मैं। तो मैंने इसमें निकाल दिया है 4 बड़े चम्मच से घी। अब इसमें भून लूंगी इसको। तो हमने इसमें घी डाला था, घी में इसको भून रहे हैं अभी। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरा ब्राउन नहीं हो जाता और फिर इसमें दूध डालेंगे, फिर इसमें चीनी डालेंगे।
तो दोस्तों इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया है। ये देखो भूनते भूनते इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा हो गया है। और भुनेंगे हम इसको। यहाँ पे रखा है दूध उबाल के, अभी घी में भुन रहा है। ये घी में अच्छे से भुन के फिर जाके बनेगा ये। तो ये भुन चुका है और अब इसको फटाफट इसको भून के फिर इसमें दूध डालेंगे। तो अब इसमें मैंने दूध डाल दिया है, अब इसको खूब पका लूँगी मैं जब तक ये पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता। फिर इसमें चीनी डालूँगी, फिर इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे हम। ये मलाई हुई है ना, पूरा मलाई इकट्ठा करके डाल रही हूँ मैं। दोस्तों इसमें मैंने दूध डाल दिया है, अब इसको पका के फिर इसमें चीनी डालेंगे और फिर इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, ड्राई फ्रूट। तो अभी बनानी है, ये बन रहा है, गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। अभी पूरा पक जाएगा तो फिर देखो दिखाऊंगी आपको। दोस्तों इसको आधा घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं बना है ये, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी। तो इसमें अभी हम स्वादानुसार चीनी डाल दी है और ये देखो इसको भून लेंगे, तो चीनी गला लेंगे इसमें। बन चुका है लौकी का हलवा, अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और मैं ये वाले भगोने में निकालती हूँ इसको, फिर इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो दोस्तों मैं इसको अब ये बन गया है, इसको थाली में निकाल दूंगी। नीचे से मैंने तेल लगाया है, घी लगाया है, घी। मैं इसको थोड़ा फैला दूंगी। हम इसको मिठाई के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अभी मैं वो डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। हो गया बंद कर दो। तो इसमें मैं अब ड्राई फ्रूट डालूंगी। अब मेरी फोटो लोगी। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने लौकी का हलवा भी बना दिया है। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।